लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें। बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। और दोनों जगह छुप रहा है मेरा जो जानकारी पर भी आई है उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ। 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार निफ्टी पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ रहता था। वो सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें। बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ धन है की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई, कौन उसके जनक थे भाई? किसके दौर में ये पलायन शुरू, किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता है? आज की तारीख में हकीकत है बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय दे आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीत। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को, नहीं मिल रहा है। हाथ किसे हाथ लालू एनडीए से अलग होने का उन्होंने 243 सीट पर चिराग की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के वक्त इन सब दबा दिया, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको नीति में कभी लग नहीं रहा। अरे हाथ किस मेरे हाथ लाओ ना अपना, दो सौ 243।